मोदी जी की ऐसी गिफ्ट मिलती है, अब फिर मिलने लगेगी गिफ्ट, अब दीपावली तक तोहफा मिलेगा। राहुल गांधी क्या? वो बढ़िया आदमी है। मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी अब दे पाए न दे पाए, जिस दिन दे दी तो फिर साफ कर देगा, ये भी बता रहे। चाचा से बात कर लेते, चाचा कैसी लग रही है सरकार? हमें अच्छी नहीं लग रही, बच्चों को हम पढ़ाए हैं, उनको नौकरी कहाँ दिलाएं, सारा प्राइवेट कर दिया है, तो हमें आरक्षण कहाँ से मिलेगा, बच्चे नौकरी कहाँ पाएंगे? अगर नौकरी मिलती तो ये सब जो नव युवक हैं यहाँ कंपनी में काम नहीं करते, ये अपने अपने गांव में होते वहीं काम करते, अब यहाँ आए हैं सब बेचारे कम पैसे में काम कर रहे हैं। नौकरी मेला लग रहा है चाचा, अब तो नौकरियां बांट रहे हैं मोदी जी। वो इलेक्शन आ गया तभी लग रहा है, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे लड़का लड़की यहाँ प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अब बढ़िया पढ़े लिखे हैं, अगर नौकरी मिल जाएगी तो ये लोग यहाँ नहीं काम करेंगे, अपने अपने गाँव जाएंगे। रेलवे भी चली गई, हवाई अड्डा, मेट्रो दिल्ली की सारा कुछ चला गया, सारा प्राइवेट कर दिया, तो हमको नौकरी कहाँ मिलेगी? आप ये कह रहे हैं बार बार कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? लगने रहे, होता है, हर साल होता है, जब चुनाव आता है गैस सस्ती होती है, डीजल सस्ता होता है, नौकरियाँ देते हैं और चुनाव के बाद में फिर कुछ नहीं देते हैं, फिर सारा बंद हो जाता है। गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, कई करोड़ परिवारों को बाहर कर दिया, अब गरीबी नहीं रही, सब सामने है। अगर गरीबी दूर होती तो ये लोग बेचारे यहाँ क्या करने आते, ये लोग अपने अपने वहाँ होते, यहाँ नहीं होते। मोदी सरकार कैसी लग रही है? 9 साल हो चुके हैं, कुछ काम वाम किया गरीबों को? हम तो परेशान है, हम लखीमपुर छोड़कर नोएडा हैं, पूरा परिवार लेकर, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा, लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं मिल रही है, हम यहाँ 10,000 में नौकरी करते हैं, हमारा बेटा भी करता 10,000 में और बी ए फाइनल है। अरे मोदी जी, मैं तो गरीबों का दर्द जानता हूँ, गरीब परिवार से हूँ, देखा है मैंने गरीबी क्या होती है। अरे होंगे, लेकिन हमारा दर्द जाने, जो ये सब खड़े इनका दर्द सुने, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं इनको नौकरी दिलाएं और जो प्राइवेट किए उसको सरकारी कर दें। क्या लग रहा है कि बीजेपी को कोई नेता है जो टक्कर दे सकता है विपक्ष? कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, बीजेपी नहीं दे पाए, नहीं गठबंधन तैयार है, वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई देगा जरूर, ऐसा नहीं कि सारे दिन हेर हैं, ये नहीं रहेंगे, कोई ना कोई आएगा जरूर। कोई नेता है नजर में जो गठबंधन बना उसमें से कि ये मोदी जी को हरा देंगे? नहीं, कोई ना कोई तो आएगा, गठबंधन अगर है तो आएगा जरूर कोई ना। अरे गठबंधन इस बार कमाल कर देगा, इस बार भाजपा नहीं, भाजपा ही आएगी, क्योंकि मोदी भाजपा रहेगा देश विदेशों में। चलिए भैया, आप कह रहे हैं भाजपा आएगी तो रुकेगा, चाचा अब रुकेगा, चाचा कह रहे हैं नौकरियां नहीं दी, महंगाई बढ़ गई, तो क्यों लग रहा है पाकिस्तान में आप जानते हो दो? अरे भैया इंडिया में ही आ जाइए, इंडिया में ही आ जाइए, छोड़िए पाकिस्तान, इंडिया में क्या टमाटर के दाम है? 280 रुपए किलो टमाटर चल रहा है, छोड़िएगा, अपने से मुकाबला कर लेना। कितना क्या महंगाई? कुछ महंगाई नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं नहीं है। चाचा कहाँ महंगाई ना परेशानी, रोजगार भी बट रहा है, रोजगार कहाँ है, रोजगार होता तो हम लोग यहाँ कैसे आते पूरे परिवार? कह रहे हैं चाचा नहीं, पाकिस्तान की बात से पहले नहीं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम भारत देश की बात कर रहे हैं, कैसी महंगाई है, दिक्कत क्या रही है? महंगाई है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहाँ महंगाई है बताइए? क्यों 400 रुपया हम लोगों को मिलता है, 350 रुपया मिल रहा है, ठीक है, और 40 रुपया किलो आटा ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा महंगाई और क्या है? 150 रुपया किलो तेल मिल रहा है, 200 रुपया किलो राशन भी तो फ्री मिल रहा है ना, अब राशन भी तो फ्री मिल रहा है। 5 किलो में बच्चे पल जाते हैं, 5 किलो में बच्चे पल जाते हैं, बताओ नहीं, आप बताओ 5 किलो में। सरकार तो कह रही है 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे, बताइए कितना बड़ा काम है। मैं ये कह रहा हूँ 5-5 किलो सबके बच्चों को दे देते, पर जनता क्या बोल रही है? जनता तो यही बोल रही है, मैं तो कह रहा हूँ सरकार बेकार है, बेकार है और क्या, बेकार है और क्या, राशन, मकान, शौचालय, किसको सिलेंडर फ्री दे दिया, किसको मिल रहा है राशन, किसको मिल रहा है मकान, किसको मिल रहा है कर्जा, हो गया सिलेंडर बता रहे हैं, अब सस्ता हो गया, 1300 अब सस्ता हो गया, मतलब 200 रुपए कम हो गए, 200 रुपए कम, 6 महीना 1300 को बेचो, अब इलेक्शन आ गया तो 2 महीना 200 कम कर दो। चाचा क्या रहे 13 महीने? चाचा ऐसा क्यों लग रहा है कि 13 महीने 1100 का और अब 900 का? क्यों, कहाँ से आ गई आप गैस, पहले कहाँ चली गई थी? गिफ्ट है ना, वो तो बाहर दिया था रक्षाबंधन। जी मोदी जी की ऐसी गिफ्ट मिलती है, अब फिर मिलने लगेगी गिफ्ट, अब दीपावली तक तोहफा मिलेगा। बात तो कीजिएगा, राहुल गांधी कैसे लग? ये गलत फलत वाली, राहुल गांधी क्या? वो बढ़िया आदमी है, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी अब दे पाए न दे पाए, जिस दिन दे दी तो फिर साफ कर देगा, ये भी बता रहे। मतलब चाचा कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, उनको लग रहा है कि महंगाई बहुत है। सर क्या नाम है आपका? लाल कुमार। लाल कुमार, हाँ जी।
बातचीत कर ले आपसे, आप तो मुझे लग रहा है बड़े ज्ञानी है, राजनीति को समझते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं किस प्राइवेट सेक्टर में, किस कंपनी में? नेटवर्किंग में हूँ सर। कैसा चल रहा है काम धंधा? हमारा सही चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी है? महंगाई रहता था 10-10, 20-20 हजार का मोबाइल चलता है। ये तो देखो पहले, महंगाई रहता है 10,000-20,000 का मोबाइल चलता है। कौन कहता महंगाई है? महंगाई नहीं, कहाँ कौन कहता है? सामने सब जनता कह रही है महंगाई है कि नहीं? क्या महंगाई है? ज्यादा नहीं है महंगाई।